हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी B302A की फर्स्ट यूनिट जेंडर इश्यूज की कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम जेंडर एंड सेक्स, पैट्रियार्की, फेमिनिज्म, मस्कुलिनिटी, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो द फर्स्ट टॉपिक इज जेंडर बायस। जेंडर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द डेफिनेशन दैट इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो जेंडर होता है वो बायोलॉजिकली नहीं डिसाइड होता, इट इज़ नॉट कॉम्पोनेंट, इट इज़ डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, जिससे कि मेल और फीमेल कैसे उन्हें एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, व्हाट आर द रूल्स दैट आर डिसाइडेड बाय सोसाइटी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। नाउ व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट, कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज जेंडर बायस। इट मीन्स पार्शियलिटी हो रही है, एक किसी पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, दैट इज जेंडर बायस। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पैट्रियार्की इन विच द फेवर इज गिवन टू मेल, बट जेंडर बायस में किसी भी दोनों से ये लिंक्ड हो सकता है, मेल को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है या फीमेल को, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का किसी और से हिट करना वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज जेंडर बायस। इट इज़ कॉमनली कंसिडर्ड टू बी डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट्रेड टूवर्ड्स पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर रादर देन इंडिविजुअल मेरिट्स। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कस्ड इन सोसाइटीज एंड कल्चर्स वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये चीज़ है या एक पर्टिकुलर सोसाइटी कल्चर में है, ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड दिस जेंडर बायस इज देयर। एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस कैन बी अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स द अपोजिट और सेम सेक्स एज अ होल। इसका मतलब किसी दूसरे इंसान पे ट्रस्ट ना करना बिकॉज ऑफ हिज और हर जेंडर। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ जेंडर बायस? फर्स्ट वन इज इलिटरेसी। अभी भी अगर हम इंडिया में ही अगर बात करें तो बॉयज इज टू गर्ल्स का अगर हम लिटरेसी रेशियो देखें तो गर्ल्स का लिटरेसी रेट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू बॉयज, और यही रीज़न है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी का। गर्ल्स को अपनी पावर, अपने राइट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट कॉज इज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। तो वुमेन जो हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाउस होल्ड वर्क में देती हैं, बच्चों को संभालने में देती हैं, तो इससे उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपने लिए वर्क करने के लिए टाइम ही नहीं है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है और वर्स्ट होती जा रही है, दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है जेंडर बायस का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। नेक्स्ट रीजन इज रोल ऑफ ओल्ड बिलीव्स एंड कस्टम्स। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे ये बिलीफ है कि वेमेन को जो है या गर्ल्स जब हैं तो उनको नेक्स्ट रीजन इज रोल ऑफ ओल्ड बिलीव्स एंड कस्टम्स। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे अभी भी ये बिलीफ है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए वर्क के लिए, उन्हें घर का काम संभालना चाहिए। सो दिस बिलीफ इज मेकिंग वेमेन मोर इन्फीरियर देन मैन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से जेंडर बायस हो रहा है, गर्ल्स बाहर नहीं जाती हैं, दे आर नॉट बिकमिंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट रीजन ऑफ जेंडर बायस इज पॉवर्टी। इफ़ यू विल सी द पीपल ऑफ इंडिया दोज हू आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसमें से 70% वुमेन होंगी। तो क्या रीज़न है इसका? बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, वो अपना वर्क नहीं करती हैं बाहर जाके, दे आर नॉट अर्निंग, और उन्हें अवेयरनेस भी नहीं है अपने बारे में कि वी शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। हमने पैट्रियार्की में भी पढ़ा था कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी होती है दैट गोज डायरेक्टली टू सन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सन एंड डॉटर। तो इससे क्या होगा कि अगर इन केस डॉटर ने पढ़ा भी नहीं है, शी इज़ नॉट वर्किंग आउटसाइड ऑफ दी होम, और उसे कोई प्रॉपर्टी, कोई राइट भी नहीं मिल रहा है, तो अगर मैरिज के बाद उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली शी इज़ नॉट एबल टू हैंडल हर सेल्फ। तो इससे अगेन देर इज़ अ जेंडर बायस, वीमेन विल बिकम इन्फीरियर देन मैन। नेक्स्ट रीजन इज सोशल एटीट्यूड। तो अगर हम इलिटरेसी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन की बात करें, रोल ऑफ ओल्ड बिलीव्स एंड कस्टम्स, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें देखें तो ये कहाँ से आ रही है? सोशल एटीट्यूड की वजह से ही। हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड ही ऐसा है कि वेमेन जो है बाहर नहीं वर्क करें, वेमेन शुड हैंडल द हाउस होल्ड वर्क, किचन एंड बेबीज। तो इस एटीट्यूड की वजह से जो है देर इज़ अ जेंडर बायस। हाउएवर देर आर सो मैनी सोशल रिफॉर्मर्स एंड एक्टिविस्ट दोज हू आर वर्किंग फॉर इट कि हमारी सोसाइटी से ये जेंडर बायस वाली चीज़ ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट
द मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन। तो वुमेन को खुद ही अवेयरनेस नहीं है उनके राइट्स की, उनकी कैपेबिलिटीज़ की, उनके पावर की। दैट्स वाई ये सारा जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है। तो दे फील, जो वुमेन होती है वो फील करती है कि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, कि हमसे हाउस होल्ड वर्क कराया जा रहा है या हमसे किचन वर्क करवाया जा रहा है, हमसे हमें बाहर जाने के लिए मना किया जा रहा है, दिस इज़ नेचुरल। तो ये सबके साथ हो रहा है। बट नाउ दे शुड बी अवेयर, देन ओनली दिस जेंडर बायस विल बी रिमूव्ड। अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे जेंडर बायस के बारे में, जेंडर स्कूल्स एंड सोसाइटी सब्जेक्ट में, तो आप देखेंगे कि वेमेन इन्फेरियोरिटी पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जो मेजर एरिया है जेंडर बायस का वो वेमेन इन्फीरियोरिटी है, कि वेमेन को पावर नहीं है। तो मेल, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मेल के लिए भी हेटरेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंपेयर नहीं की गई हैं, इंक्लूड नहीं की गई है, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो वेमेन इन्फीरियोरिटी ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इस डेफिनेशन इज जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर सिंपलिस्टिक जनरलाइजेशंस अबाउट द जेंडर एट्रीब्यूट्स डिफरेंसेस एंड रोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक या उनके रोल्स के लिए एक जनरल थॉट बना लेना, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के लिए हो या ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए हो, उनके जेंडर के बेसिस पे उनके बारे में थॉट बना लेना, दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जांपल, इफ यू विल से दैट वुमेन आर इमोशनल या गर्ल्स आर इमोशनल एंड दे आर हैविंग वेरी केयरिंग नेचर, तो ये एक जनरल थॉट है, सारी गर्ल्स ऐसी नहीं होती, सो इट इज़ अ जेंडर स्टीरियोटाइप। इन द सेम वे इफ यू विल टॉक अबाउट बॉयज, और बोला जाए कि बॉयज आर वेरी स्ट्रांग, दे नेवर क्राई और दे डोंट हेल्प इन हाउसहोल्ड वर्क्स, तो ये सारे क्या हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट दे रेयरली कम्युनिकेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स। तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग दैट गर्ल्स आर वेरी केयरिंग इन नेचर, तो ये एक पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है, बट इट डज नॉट कम्युनिकेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी इंडिविजुअल। नाउ हाउ वी कैन डिवाइड जेंडर स्टीरियोटाइप्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। So there are four types of gender stereotypes. First is personality traits, second is domestic behaviors, third is occupations, and fourth one is physical appearance. So one by one we will discuss all these four types. First one is personality traits. Personality traits means ki gender ya kisi person ka nature kaisa hai, uski characteristics kaisi hai, usse related, uski personality se related agar koi general thought banaya ja raha hai, that will come in personality trait. So women are supposed to be shy, passive and submissive. Women should be organized and clean. तो ये women के लिए एक general thought होता है. Next is men are expected to be tough, aggressive and dominant and self-confident. Men can be lazy and messy. So these are general thoughts. जबकि ऐसा नहीं है कि हर जो boy या man है वो same कैरेक्टरिस्टिक सेम नेचर का हो। इन द सेम वे गर्ल्स, सारी गर्ल्स जो है वो पैसिव, सबमिसिव या शाय नहीं होती है। सो दीज आर जेंडर स्टीरियोटाइप्स अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सेकेंड टाइप इज डोमेस्टिक बिहेवियर्स। सो हाउ वी डू आर वर्क, कैसे हम चीज़ें करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, दैट इज डोमेस्टिक बिहेवियर। तो इससे रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स हैं, लाइक वुमेन आर सपोज टू डू हाउस होल्ड वर्क्स, दे आर सपोज टू कुक एंड क्लीन द हाउस, women's job is to raise a child, and men के लिए stereotypes है according to the behaviors that men are better at household repairs, men cannot cook, sew or care for their children. Next stereotype is related to occupations. Occupation means job profile, की क्या work करते हैं। Women are supposed to have clean jobs like टीचर्स, नर्सेज, लाइब्रेरियन एट्सेट्रा, जिसमें उन्हें बहुत हार्डवर्क ना करना पड़े। और ये भी स्टीरियोटाइप है कि वुमेन आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट, दे शुड नॉट डू फील्ड जॉब्स लाइक सेल्स और लाइक इंजीनियरिंग, जिसमें उन्हें बाहर जाना पड़े, फील्ड वर्क करना पड़े। वुमेन शुड ऑल्सो नॉट ज्वाइन द पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वुमेन, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। नाउ ऑन द अदर हैंड अबाउट मैन, men are supposed to have dirty jobs like construction workers, plumbers, engineers, etc. तो जितनी भी field jobs होती है उनके लिए बोला जाता है कि these type of jobs are suitable for men. और ये भी बोला जाता है जितनी भी high earning जो profile होती है, job profiles होती हैं, वो men के लिए होती हैं, वो men को मिलनी चाहिए। So these all are stereotypes. Actual में ऐसा कुछ नहीं है, but आपने भी सुना होगा लोग ऐसा बोलते हैं। So these are gender stereotypes. Next type is based on physical appearance. Women are expected to be short and delicate. Men are supposed to be tall and with broad shoulders.
तो आपने देखा होगा कि जो मेन है उनको कूल कब समझा जाता है, व्हेन दे आर हैविंग वेरी गुड स्मार्ट बॉडी एंड विद दे आर स्मोकिंग सिगरेट्स, दे आर टेकिंग एल्कोहल, दे आर इन्वॉल्व इन फाइटिंग, तो उन लड़कों को जो है बहुत कूल समझा जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ जेंडर स्टीरियोटाइप. एंड द वुमेन हु आर स्मोकिंग ड्रिंकिंग और टेकिंग एल्कोहल, दे आर कंसिडर्ड एज मस्क्यूलिन, उनसे बोला जाता है कि दे आर बिहेविंग एज अ मेल. सो दीज ऑल आर जेंडर स्टीरियोटाइप्स. अब जो गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा कि सिर्फ मेन और वुमेन नहीं, बाकी भी जो जेंडर्स हैं लाइक ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल, इनके भी एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रही है, सो दैट दीज जेंडर बायस एंड स्टीरियोटाइप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी. सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स. दिस मच फॉर दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.